ओके क्लास वन, नाउ ओपन योर पेज नंबर 7। अब यहाँ हम अपनी सेंसेस को डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले बॉडी पार्ट्स को डिस्कस किया था, वो जो हम देख सकते हैं और वो जो हम नहीं देख सकते उनको डिस्कस किया था। अब हम अपनी सेंसेस को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हैव 5 सेंसेस, इंसान की 5 सेंस होती हैं, ठीक है। नंबर 1 साइट, नंबर 2 साउंड, नंबर 3 टेस्ट, नंबर 4 स्मेल एंड नंबर 5 टच, ठीक है। साइट यानी कि देखना, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ आवर आईज फॉर दिस वन, इसके लिए हम अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम देख सकें। उसके बाद है साउंड, यू यूज़ योर ईयर्स फॉर दिस वन, हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए, सुनने के लिए हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट, वी यूज़ आवर टंग टू दिस वन, हम चखने के लिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 स्मेल, और सूंघने के लिए हम अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली जो हमारी 5th सेंस है वो क्या है, टच, और यू यूज़ योर फिंगर्स टोज एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी फॉर दिस वन, हम टच करने के लिए, छूने के लिए किसी चीज़ को अपनी उंगलियों, अपने अंगूठे और अपने जिस्म के जो दूसरे अज़ा हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई थी 5 सेंसेस, ठीक है। अब इसके नीचे हमें हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, इसको हम रीड कर लेते हैं। वी हैव 4 सेंसेस, ये ट्रू है कि फॉल्स, आपने ये बताना है। वी हैव 4 सेंसेज, ऑफकोर्स हमने अभी पढ़ा है कि ह्यूमन्स की 5 सेंसेज होती हैं, सो दिस इज़ फॉल्स। वी टेस्ट विद आवर नोज, हम अपने नोज के ज़रिए क्या टेस्ट करते हैं, ऑफकोर्स नॉट, वी यूज़ आर टंग टू टेस्ट, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वी यूज़ आर फिंगर्स टू टच, हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को छूने के लिए, सो दिस इज़ ट्रू। वी स्मेल विद आवर माउथ, हम अपने मुँह के ज़रिए क्या स्मेल करते हैं, रॉन्ग, हम अपने नोज के को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। वी टेस्ट विद आवर टंग, हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं। ओके नाउ ओपन योर पेज नंबर 8। ओके स्टेइंग हेल्दी, आप किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं और आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यू मस्ट, व्हाट मस्ट यू डू टू स्टे हेल्दी, आपको क्या करना चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। यू मस्ट ईट द राइट फूड्स, आपको राइट फूड यानी कि आपको जो हेल्दी फूड है वो खाना है और जंक फूड को अवॉइड करना है, ठीक है। यू मस्ट ईट वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, मीट, एग एंड ब्रेड, ये सब वो चीज़ें हैं जो जंक फूड नहीं है, हेल्दी फूड है और इसको खा के आप हेल्दी रह सकते हो, ठीक है। स्वीट, चिप्स, केक्स एंड फिजी ड्रिंक्स आर नॉट वेरी हेल्दी, ये सब कुछ बिस्किट, केक, स्वीट्स, ये चीज़ें बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ये जंक फूड में आती हैं, सो यू हैव टू अवॉइड इट, वी शुड नॉट हैव देम वेरी ओफन। ओके सो यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि आप बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स भी खेलें। यू मस्ट कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ सुथरा भी रखें, हैव अ शावर एवरी डे, रोज़ नहाना भी चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको अपने हाथ भी अच्छे तरीके से साफ करने चाहिए, ठीक है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 10, कीप योर नेल्स शॉर्ट, अपने नेल्स को कट करना चाहिए, जब बढ़ जाए तो आपको इनको काट लेना चाहिए। ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड इन द मॉर्निंग एंड इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, रात को सोने से पहले और सुबह उठ के नाश्ता करने से पहले आपको अपने टीथ भी ब्रश करने चाहिए। यू मस्ट हैव इनफ स्लीप, आपको एक मुनासिब नींद का इस्तेमाल भी करना चाहिए। एंड यू मस्ट वियर क्लीन क्लोथ, और आपको साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनने चाहिए। अच्छा, अब आप ये सब कुछ, ये सारे काम अगर आप डेली बेसिस पे रूटीन के साथ करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 10 भी कम्प्लीट हो गया है और हमने अपना यूनिट नंबर 1 रीड कर लिया है, हमें पता लग गया है इसमें ओवरऑल क्या बताया गया है। अब हम इसकी एक्टिविटी की तरफ आते हैं।